एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल गुड इन लाइफ। सो गाइस, आज का वीडियो अगेन हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगेन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट थर्ड वीडियो मैंने अपलोड किया था हाउ टू गेट सिल्की स्मूथ एंड शाइनी हेयर। सॉरी, बीच में अटक गई मैं बोलने। एंड तो एक टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने के बाद में क्या करती हूँ, उसमें 15 दिन का गैप ले लेती हूँ या फिर 2-4 वीडियो का दूसरे वीडियो जो होते हैं दूसरे टॉपिक को वीडियो अपलोड कर लेती हूँ, देन उस टॉपिक पे अगेन वीडियो अपलोड करती हूँ। बट ये लास्ट थर्ड वीडियो डालने के बाद अगेन हेयर केयर पर ही जो वीडियो अपलोड करने का रीज़न ये कि ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, किसी के क्वेश्चन का आंसर बोल सकते हैं आप। सो स्पेशली ये वीडियो है रूप सिंह जी आपके लिए जो बिफोर मेरे स्टाफ मेंबर रह चुके हैं जब मैं पहले जॉब करती थी तब। तो अभी तो मैंने जॉब क्विट कर दी है, सो उन्हीं के लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया जिन्होंने इंस्टा पर मुझे पोस्ट किया था या फिर एक रिक्वेस्ट की थी, एक मैसेज अपलोड किया था मुझे उनके लिए। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम रहती है, आपको रेगुलरली जुकाम रहता है, या फिर ऐसा लगता है आपके जो एंड पे जो बाल होते हैं वो उनको दो मुँह के हैं, जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, जेंट्स को नहीं होते तो लेडीज़ की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड फुली देखिएगा। एंड फुली वीडियो देखना मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग इंट्रो डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत बातें बोलनी पड़ती है ताकि थोड़ा सा वीडियो का क्या बोल सकते हैं, इमेज अच्छी बोल दो या फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा रखने के लिए बोल लो, कैसे भी बोल लो। तो मेन पार्ट जो होता है वीडियो का, जो मेन बात होती है वो वीडियो के बीच में होती है, ठीक है। अगर आप उसको स्किप करके देखते हो तो मेन चीज़ तो निकल जाती है, कभी कभी निकल जाती है, तो वो निकल जाती है अगर आप एंड फुली नहीं देखते हो, मतलब स्किप करके देखते हो तो, ठीक है। तो जो हम लोग बताना चाह रहे हैं या फिर जो लोग जिस बात को या जिस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आप देखना चाह रहे हैं वो देख नहीं पाते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ वीडियो को पूरा एंड फुली देखिएगा ना, फिर थोड़ा मजा नहीं आता, ओके। एंड सेकेंडली क्या होता है, जब हमें कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीन्स मैं हो या फिर दूसरे यूट्यूबर हो, क्योंकि सारे हम लोग डॉक्टर तो है नहीं, हम एक्सपर्ट तो है नहीं, तो हमें कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, कोई सॉल्यूशन पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस सर्च करते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ओके। बट ये जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कभी ना कभी खुजली हो या फिर ये सारी डेंडर्फ हो, ये प्रॉब्लम हमें भी हो चुकी है, मतलब मुझे भी हो चुकी है, तो इन घर में और भी किसी को हो चुकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी इसके लिए कुछ ना कुछ ट्राई तो करते ही रहते हैं, ठीक है। तो आज का जो रेमेडी है, जो आज की जो रेमेडी बोल सकते हैं, नुस्खा बोल सकते हैं, वो घर में मैं खुद यूज़ करती हूँ, ऑब्वियसली नहीं, बहुत टाइम पहले से मैं यूज़ करती हूँ उसको, ओके। तो ये कह सकते हो कि आप ये जो तेल है बोल सकते हैं, एक ऑयल बताने वाली हूँ मैं आपको, तो ये ऑयल आपको मार्केट में रेडीमेड भी मिल जाएगा, पर ज़्यादा अच्छा है ना आप घर पे बना के यूज़ करें तो आपको फ्रेश मिल जाएगा एकदम से, ठीक है। मार्केट का नो डाउट अच्छा नहीं होता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, पर घर की चीज़ की तो बात ही अलग है, ठीक है। तो वही है, तो चलिए बातें बहुत हो गई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिएगा, ताकि क्या हो ऐसे यूजफुल वीडियो एंड उसके आप हक की नज़र से छूट ना जाए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एंड में लाइक कर दीजिएगा, किसी और के लिए यूजफुल हो, फैमिली फ्रेंड्स के लिए उनके साथ भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं ये यूजफुल रेमेडी है क्या, इतनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी लहसुन, 10 से 15 लहसुन है, मीन्स कह सकते हैं एक पूरा गट्टा होता है, हमारा भी गट्टा ही बोलते हैं, पता नहीं आप क्या क्या बोलते हैं। सो एक पूरा गट्टा लगता है, सो 10 से 15 लहसुन है। एक आपको चाहिए होगा प्याज, प्याज बड़े साइज का इसलिए मैंने एक लिया, अगर आपके पास छोटे प्याज है तो आपको 2 लेने हैं। ये सामग्री है 1.5 कप तेल के लिए, तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप तेल सरसों का यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, या फिर ओलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आपको सूटेबल लगता है, जो आप यूज़ करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लहसुन को आपको ऐसे ही छोड़ देना है, मीन बारीक छोटे छोटे पीस में कट नहीं करना है, पर प्याज को आपको इस तरह रफली चॉप कर लेना है, काट लेना है, क्योंकि हम इसको ग्राइंडर में पीसेंगे, इसलिए अब इन दोनों को आपको ग्राइंडर में पीस लेना है, स्मूथ पेस्ट बना लेना है, कुछ इस तरह का स्मूथ पेस्ट बना लेना है आपको। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं रखना है एंड इसको पतला भी नहीं रखना है, इस तरह अगर ठीक ही रहता है, जिस तरह हम ग्रेवी बनाते तब यूज़ करते हैं ना, उस तरह का रखना है आपको। ग्राइंडर में कुछ भी पानी वगैरह नहीं डालना है आपको, खाली लहसुन डालनी है एंड जो प्याज आपने चॉप करके रखा हो तो वो डालना है आपको, एंड इस तरह का आपको पेस्ट बना लेना है, ओके। सबसे पहले आपको लेना है 1 कप तेल,
अगर छोटा कप है चाय का तो 1.5 कप लेना है, और बड़ा है तो आपको 1 कप लेना है। सो इसको कढ़ाई में आपको गर्म करना है तेल को, जिस तरह हम लोग कुछ फ्राई करते हैं ना उस तरह से, तो अच्छे से गर्म करना है आपको। ध्यान रखें आपको कढ़ाई जो थोड़ा सा पेंदे वाली होती है वही लेनी, एक जैसी होती है वो नहीं लेनी है। देन हमने जो पेस्ट बना करा था लहसुन और प्याज का, वो हमको इसमें ऐड करना है। अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए पकने देना आपको इसको, जस्ट लाइक सब्जी की ग्रेवी बनाते हैं उस तरह से। अब हम बात करें इसके गुणों की, तो जो प्याज और लहसुन का तेल होता है वो आपकी हेल्थ और आपके बालों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी बालों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है, खुजली, डेंड्रफ एंड बालों का झड़ना, या फिर गंजापन का सोल्यूशन भी बोलते हैं इस तेल को। सो इसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन है। एंड इसको तेल को आपको ठंडा कर लेना है, ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह का नज़र आएगा ये। एंड आपको छलनी लेनी है, जो हम चाय छलनी बोलते हैं उसको, एंड उससे आपको इसको छान लेना है। यहाँ छानने में आपको ये ध्यान रखना है कि छानने के लिए जो छलनी ले रहे हैं आप, वो आपको स्टील की लेनी, प्लास्टिक की नहीं लेनी, वरना पूरा तेल पूरा एक तरह से बाहर नहीं आ पाएगा, ये कह सकते हैं आप, पूरा छान नहीं पाएगा। सो कुछ इस तरह का तेल नज़र आएगा आपको पूरा छानने के बाद। ये तेल ऐसे ही लगेगा जैसे सरसों का नॉर्मल तेल होता है वैसा, बट इसकी जो खुशबू होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। अब आपको इसको किसी खाली बोतल में ट्रांसफ़र कर लेना है। सो मेरे पास यहाँ पे बायोटेक बायो एप्रिकॉट फेस वॉश की बोतल खाली रखी हुई थी, सो मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि ये पंप वाली बोतल है तो यूज़ करने में ज़्यादा आसानी होगी इसलिए। सो इसमें हमको इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। वैसे तो तेल बन के रेडी है, इसको आप डायरेक्ट अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसमें विटामिन ई ऑयल की 1 या 2 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनली, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो नहीं करें, ठीक है। विटामिन ई ऑयल जो होता है आपके बालों स्किन के दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अगर आप इसका और भी यूजेज देखना चाहते हो तो अपने लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे डाल दूंगी। चलिए अब देखते हैं हाउ टू यूज इट। करना है या तो आप इसको किसी कटोरी में लेके गर्म कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको धूप में रख सकते हैं 10-15 मिनट। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको दोनों ऑप्शन नहीं हो तो आपको क्या करना है, अपने हाथ लेने, इनको अच्छे से इस तरह से आपको रगड़ना है। होता क्या, इस तरह रगड़ने से आपके जो हाथ है बहुत अच्छे से गर्म हो जाते हैं, एंड उसमें थोड़ी सी जो एनर्जी होती है या फिर उष्मा होती है जो बोल सकते हैं आप, इस तरह से आ जाती है। आपको खुद को फील होगा जब आप इस तरह से करेंगे, तब इस तरह से कर लेना। अब आपको थोड़ा सा गर्माहट लगेगी। देन आपको आपको जो तेल है, मेरे पास ये पंप वाली बोतल थी इसलिए मैंने पंप वाली में लिया था, अदरवाइज आप किसी और में भी ले सकते हैं। सो इस तरह से आपको तेल को निकाल लेना है। इन अपने हाथों पे इस तरह से 2 मिनट के लिए फिर से यूं करना है। इन आपको फर्स्टली आपको इस तरह से हाथ लगाना है, इन अपने बालों पे इस तरह से मसाज कर दे। अगर आपके पास या फिर आपके साथ कोई ऐसा है जो आपको बड़ा, वो भी आपको हेल्प कर सकता है तो ज्यादा अच्छा है। सेकंड फिर आपको क्या करना है, इस तरह से अपने बालों को अप्लाई करना है, इस तरह पूरे बालों में लगाना। अगर आपके पास कोई मदद करने वाला हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह ट्रिक भी ट्राई कर सकते हैं, जिस तरह से मैं करती हूँ कभी कभी जब मुझे काफी अच्छा खासा टाइम होता है तब। आपको इस तरह मांग गिराते जाना है, इन पीछे से अपने बालों पे इस तरह से पंप वाली बोतल हो कोई सी भी, उससे आप इस तरह तेल को अप्लाई करना है। ये देखिए आप इन उसको इस तरह से करते जाना है, ऐसा आप पीछे की तरफ पूरी मांग गिरा सकते हैं, एंड इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। एंड फिर से आपको कंघे की जरूरत नहीं, कंघा हो तो बहुत अच्छी बात है, इस सबके पास कंघा होता है, बहुत अच्छी बात है, क्या है। तो आपको इस तरह से फिंगर लेनी है एंड अपने बालों को इस तरह करना है। ये देखिए यहाँ पे फिर से एक मांग गिर जाएगी, फिर से आपको इस तरह लगाना है एंड फिर से अपने बालों को इस तरह करके पूरे बालों में आपको अप्लाई करना है। जब तक बाल जो तेल होता है वो आपकी जड़ों तक नहीं जाएगा, तब तक आपका जो तेल है वो आपके बालों को बेनिफिट नहीं देगा, फायदा नहीं देगा। तो आपको इस तरह से चाहे तो आप कटोरी में निकाल सकते हैं या फिर इस तरह की पंप वाली बोतल में करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तेल आपको अच्छा खासा लगाना है, वीक में एक बार तो कम से कम आपको तेल इस तरह से लगाना है कि आपके बालों की जितनी भी तेल की कमी है वो पूरी हो जाए। इस तरह से लगा लेना आपको, फिर 2 मिनट के लिए आपको इस तरह से मसाज करनी है, एंड आपको फील होता है कि आपके बालों में और आपको तेल की जरूरत है तो आपको इस तरह से करके देखिए। इस तेल को अगर आप 10 दिन यूज करते हैं तो आपको फर्स्ट डेफिनेटली नजर आएगा। एंड एक बात मैं बिल्कुल मतलब क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि 2 दिन में बाल बड़े हो जाएंगे एंड 3 दिन में बाल बड़े हो जाएंगे, 4 दिन में हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल नहीं मतलब नहीं होते बड़े बाल। आपको कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं आपके बालों को बड़ा होने में। हाँ ये कह सकते हैं आपके बाल सिल्की स्मूथ एंड शाइनी हो जाते हैं, वो ऑब्वियसली आपके बालों की जो लास्ट वाली ग्रोथ होती है, लास्ट वाली जो आप बोल सकते बाल होते हैं उस पर आपको अच्छे से लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मेन होता है लगाना इस तरह से। तेल आपको अच्छा बढ़ के लगाना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखिए इस तरह से
उसके बाद एंड में आप चाहें तो इस तरह से तेल लेके अपनी फिंगर को लेना है एंड इस तरह घुमाना है आपको। आप पहले कोई कपड़ा बिछा ले अपने पैरों पर, ताकि उससे क्या होगा आपके बाल जो है वो गिरेंगे या फिर तेल गिर जाएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए 2 मिनट की आपको मसाज करनी हल्की हल्की। आप देखेंगे 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा एंड आपके जो बाल है वो सिल्की और स्मूथ, तो आपको फर्स्ट बार आप ट्राई करेंगे ना धोएंगे बाल तभी आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं कोई कंडीशनर यूज नहीं करती अपने बालों के लिए। कभी मुझे बाहर जाना होता है, मुझे लगता है कि हाँ मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई फील हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना 2-3 दिन के बाद जब हम बाल धो रहे हैं 2-3 दिन के बाद बालों की शाइनिंग अपने आप ही चली जाती है, मतलब अनशाइनिंग लगते थोड़े से, तो तब जरूर मैं कंडीशनर यूज करती हूँ बालों में अगर मुझे कहीं जाना होता है इमिडिएटली तब। अदरवाइज मैं कोई कंडीशनर डेली में यूज नहीं करती हूँ। सो इस तरह से पूरे बालों में आपको तेल डालने, बस बालों में कंघा नहीं करना है क्योंकि हमने पहले ही बालों को सुलझा लिया था, तो काफी हद तक अपने बाल अभी तक भी सुलझे हुए हैं, जैसे थोड़े बहुत उलझ जाए ज्यादा नहीं, एंड उस बालों को आपको इस तरह पीछे डाल लेना है। अब आपको लेना है एक टॉवेल, इस तरह का जो रोए वाला बोल सकते रोए वाला जो भी बोलते हो आप, इस तरह टॉवेल लेना है। ये मेरी बेबी का टॉवेल है, पुराना है, अभी नया लेके आ गए, तो उसको डालना है आपको इस तरह से। लेना है गर्म पानी, अगर आपके पास जो स्टीम देने का हो आपके बालों को तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरह गर्म पानी ले रही हूँ। एंड उस टॉवेल को आपको इसके अंदर डाल लेना है, थोड़ा सा अच्छा खासा निचोड़ना है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, आपके उसमें हल्की सी जो भाप होती है स्टीम होती है वो रहनी चाहिए इस तरह से। इस टॉवेल को आपको आपके बालों पर पूरी तरह से इस तरह से लगा लेना है, भाप नहीं लेनी इस तरह से। इससे क्या होगा आपके बालों की जो जड़ें होती है ना वो मजबूत होगी एंड आपके बाल और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे, जस्ट लाइक इस तरह से। ये सब आपको नहाने जाने से मतलब आधा घंटे 20 मिनट पहले करना है। ये देखिए इस तरह से पूरे बालों को कवर करना है, जस्ट लाइक इस तरह से। इसको आपको 20 मिनट के लिए छोड़ देना अपने बालों को। उसके बाद आपको स्किन केयर कर सकते हैं या फिर कुछ भी आपको करना है वो कर सकते हैं। चीज और जब भी आप इस तरह का टॉवेल लगाते हैं अपने बालों पे तो वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन यूज किया किसी ने या फिर अपने अपने खुद ने यूज किया उसके बाद आप सिर पे लगा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको उसको एकदम क्लीन धो के साफ एक दिन पहले ही रख देना अपने बालों पे, जब भी आपको लगे मुझे स्टीम करना उसे एक दिन पहले। तो इस तरह का साफ टॉवेल यूज करना है, गंदा टॉवेल बिल्कुल यूज नहीं करना है।